सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के शुरू में बात करने वाले कि आप राशन कार्ड नंबर से आप आधार कार्ड का नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है या फिर आपका आधार कार्ड नहीं मिलता है या कई सारी ऐसी परेशानी आपका हो जाती है कि आधार कार्ड गुम हो जाता है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आसानी से अपने राशन कार्ड से आप अपना आधार नंबर कैसे निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां आपको बताऊंगी आप राशन कार्ड से आप अपना आधार नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सिंपली मैं अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको यहाँ लिखा विभागीय एकीकरण सेवाओं में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरा सीजन एक्सपायर्ड हो चुका है, तो मुझे इसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ लिखा अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सिंपली इसी में क्लिक कर देंगे। यहाँ करने में दोस्तों लिखा है फूड एंड सिविल राशन कार्ड, सिंपली आपको इसी में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने दूसरा इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली इसमें NFSA में क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फिर से NFSA में क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते लिखा होगा आपको राशन कार्ड संशोधन, तो दोस्तों राशन कार्ड संशोधन में आप आवेदन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से अपना जिला चूज कर लेंगे, जो भी आपका जिला हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ मांग रहा है आपसे राशन कार्ड नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड आपको नंबर डालना होगा। ठीक है, जो भी आपका राशन कार्ड नंबर हो, सिंपली आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर सिंपल फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिलअप कर देंगे दोस्तों, सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आने पर सिंपली आप दोस्तों थर्ड नंबर लिखा है फैमिली डिटेल्स, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आधार क्रमांक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर सभी के आधार क्रमांक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आसानी से आधार नंबर नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका भी नोट करना आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, आपको अगर आधार कार्ड मंगवाना है तो सिंपली आप करेंगे क्या, यहाँ पर आधार कार्ड की एक ऑफिशियल पोर्टल में आपको चला जाना होगा। ठीक है, जैसे ही जाएंगे तो दोस्तों यहाँ आने बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ लिखा है ऑर्डर आधार PVC कार्ड, सिंपली इसमें क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड PVC कार्ड के लिए ऑर्डर दे देना होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, क्योंकि ये पोर्टल थोड़ा भी स्लो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी एरर बता रहा है। तो दोस्तों, आप सिंपली इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऑर्डर आधार PVC में क्लिक करके आप आधार नंबर फिलअप करके आप अपना आधार PVC कार्ड के लिए ऑर्डर दे देंगे, जिससे कि आपका आधार कार्ड बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से अपने राशन कार्ड नंबर से आप सीधा अपना आधार नंबर आप सिंपली आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, आधार नंबर निकालने पर सिंपली आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल में चले जाना होगा। वहां पर अपना आधार नंबर डाल के आप PVC कार्ड के लिए ऑर्डर दे देना होगा। दोस्तों, इसमें आपको ₹50 आपको चार्जेस लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लगभग 8 दिन का समय लगता है। 8 दिन समय लगने के बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड होगा बाय पोस्ट आपके घर में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप राशन कार्ड से अपना आधार नंबर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो सारी चीजें मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।